अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप देख रहे हैं काशिफ रजा वॉइस, मैं हूँ काशिफ रजा। इस वक्त हमारी खुशनसीबी कि हमारे साथ अक्स मुजाहिदीन साहबजादा मोहम्मद अनस हुसैन रिजवी साहब मौजूद हैं। मैं बहुत मशहूर हूँ हजरत का, जाहिर है कुछ दिनों से आप यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं सिंध से फिर कराची में, और जाहिर है नींद भी मुतासर होती होगी। सबसे पहले हमें ये बताइए कि हजरत के कराची वालों का खुश आमदीद, उनका जोश जज्बा आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो आपने, आपका शुक्रिया कि आप आए और आपने जनाब हमारा पैगाम पहुँचाने के लिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और आपने कहा कि हमारी नींदें, तो हमारे बाबा जी हमें सबक देकर गए, ज़ोब माना मगर ये जालिम दिल, उनके रास्ते में तो तका ना करे। और कराची वालों का जज्बा और सिंध वालों का जज्बा देखकर मैं बेहद हुआ कि एक दो बातों ने मुझे, दो बातें हैं। पहली बात ये कि जब मैं कराची सिंध में उतरा, तो जब मैंने वहाँ सिंध का निज़ाम देखा और सिंध के लोगों को देखा, तो बहुत परेशान हुआ, दिल गमगीन हुआ कि 76 साल हो गए हैं इन्होंने उस सिंध की आवाम को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। ना वहाँ अस्पतालों का हाल है, ना रोड का हाल है, लोग बेचारे, लोगों के पाँव में जूती नहीं है, लोग एक टाइम की रोटी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने ये किया, और एक तरफ से खुशी इस बात की हुई कि जब जहाँ भी गए वो कहें कि नहीं भाई अब हमने किसी को नहीं, अब हुजूर के दीन के साथ खड़े होना है, ये बड़ी खुशी हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम जरदारी के गांव में गए तो पूरा गाँव उमड़कर बाहर आया, उन्होंने कहा भाई अब हम किसी को वोट नहीं देंगे, अब हम हुजूर के दीन के लिए वोट देंगे। हजरत बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात इस बार लब्बैक को ज्वाइन कर रही हैं, हिमायत का ऐलान कर रही हैं, बड़ी बड़ी गद्दियाँ गद्दी नशीनें हिमायत का ऐलान कर रही हैं, तो अगर आज क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन हयात होते तो उनके जज्बात कैसे होते? अमीरुल मुजाहिदीन हयात होते तो ये मंजर ही बदल चुका होता, ये पाकिस्तान की नजारा ही बदल चुका होता, हो सकता पाकिस्तान नहीं, अब हम शायद कश्मीर फतह कर रहे होते, शायद बैतुल मुक़द्दस आज़ाद कर रहे होते। लेकिन बात है कि काम है उनके जिक्र से, वो यूं हुआ है यूं हुआ इंशाल्लाह। बिल्कुल आखिर में, क्योंकि जाहिर है वक्त बहुत मुख्तसर है, सिर्फ इतना बता दीजिएगा, साथ भाई ने अभी कहा था कि जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो मलंग है, तो उन मलंगों के लिए आपका क्या पैगाम? मेरा मलंग है वो जो मलंग है ना, वो इन सब के दमा दमस कलंदर करते हैं और इनकी वो बजाते हैं, मैं पंजाबी में बात करूंगा कि वो इनकी सही वली करके बजाते हैं। उन मलंगों के लिए ये पैगाम है कि और 200 रुपए का पैकेज कराकर इनकी और बजाएं, ताकि हुजूर का दीन जो है वो मजबूत हो। हाँ इंशाल्लाह, तो बहुत शुक्रिया। बहुत अकब में आप देख सकते हैं इस वक्त रात का बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो मलंग है, जो हमारे 3 बजे का टाइम है, लेकिन यहाँ पर आप इनका जोश और खरोश देख सकते हैं। ये किबला अक्स अमीरुल मुजाहिदीन इस वक्त बाहर मौजूद है और तमाम कारकुनों के दरमियान में, ये तमाम को देखे, क्या आप ये कह सकते हैं कि ये रात के 3 बज रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, जबकि ये कराची औरंगी टाउन का शहर है, तमाम लोग सोए हुए हैं, लेकिन नबी के गुलाम जो दीन को तख्त पर देखना चाहते हैं वो एक सख्त बेदार हैं और अपने कायदीन को अपने दरमियान देखकर बहुत ज्यादा पुरजोश है। यह आप देख सकते हैं, हमारा कैमरामैन अगर आपको फोकस करके दिखाए